मैं हूं संजय गौड़ और आप देखते हैं पुलिस पंचायत की विशेष रिपोर्ट। मुहावरा है भैंस के आगे बीन बजाना, इसका अर्थ होता है मूर्ख को उपदेश देना। पशुओं में भैंस एक ऐसा पशु है जो शांत एवं सहनशील होता है, इसीलिए यह पालतू पशु है। अन्य पशुओं की तुलना में इसे मंद पशु माना गया है। प्रायः देखा गया है कि इसके सामने कोई भी घटना घट जाए इसके ऊपर जल्दी असर नहीं होता। मनुष्यों में भी कुछ ऐसे मूर्ख होते हैं जिनके ऊपर बातों का कोई असर नहीं होता। शायद भैंस और मूर्ख व्यक्ति में समानता देखकर ही मुहावरा बन गया होगा भैंस के आगे बीन बजाना। तो सुना आपने भैंस के आगे बीन बजाने का क्या तात्पर्य है, और अब आप यह भी समझ जाएंगे कि इस न्यूज का हमारा क्या तात्पर्य है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, क्योंकि नीमच की बदहाल यातायात व्यवस्था तस्वीरों में इसे आप बार बार देख चुके हैं, और हमारी खबरों के माध्यम से आप इस बदहाल व्यवस्था के बारे में अच्छी से जान भी चुके हैं। आखिर क्यों नीमच की बदहाल ट्रैफिक व्यवस्था है? नीमच के फुहारा चौकी पर कई ट्रेवल एजेंसी की बसें बीच मार्ग पर खड़ी रहती है, लेकिन क्या करें, जिम्मेदार तो सिर्फ किसान जो कि ग्रामीणों से आते हैं उनकी कृषि मंडी रोड पर या फिर पुलिस लाइन के यहाँ खड़े होकर सिर्फ चालानी कार्रवाई करना ही जानते हैं, उनको ऐसी ट्रैफिक व्यवस्थाओं से कोई मतलब नहीं। और तो और, हमने कई बार जिम्मेदार अधिकारियों को भी अवगत कराया है कि यातायात व्यवस्था के स्टॉपर जो कि ठेकेदार वापर रहा है सीवरेज लाइन का, वो आए दिन रोडों पर जाम लगा रहा है और शासकीय संपत्ति का वापर के दुरुपयोग भी कर रहा है, लेकिन ये आंखें मूंद कर बैठे हैं। धरतराज भी इनकी कार्यप्रणाली को देखे तो अपने आप पर शर्मिंदा महसूस करने लग जाए कि आखिर ये क्या स्थिति है। लेकिन क्या करें, जिम्मेदारों को इससे कोई फर्क पड़ता नजर नहीं आ रहा है। बिन परमिट की जीपें यहाँ पर बीच मार्गों पर खड़ी रहती है, लेकिन कोई देखने वाला सुनने वाला नहीं है। आज भी मंगरोड पर काफ़ी देर तक जाम लगा रहा, और काफ़ी देर बाद पुलिस की नींद खुली और रसीद कट्टे और चालानी कार्रवाई तो होती रही, लेकिन कुछ यातायात के जवान जरूर एक दो आए और भीड़ का मुआयना करते रहे, लेकिन ये जीप बीच रास्ते में खड़ी रही, उनको हटाने की इनने जरूरत नहीं की। क्या करें, शायद ये सब बंदियों के खेल होते हैं, तभी तो बीच रास्ते में जीपें खड़ी रहती है और बिना परमिट के सरपट दौड़ती है। कई बार अधिकारियों को अवगत करा दिया, लेकिन हालत वही ढाक के तीन पात है। शर्म आ गई है ऐसी यातायात व्यवस्था की, और जो ट्रैफिक पुलिस के जो यहाँ पर स्टॉपर है वो देख रहे हैं कि आप कैसे इस गड्ढे की शोभा बढ़ा रहे हैं, और एक ठेकेदार इसका खुलकर दुरुपयोग कर रहा है। क्या यातायात विभाग ने अपने बुरे दिन को बचाने के लिए यहाँ पर किराए पर चला रखे हैं ट्रैफिक पुलिस के? ये आखिर क्यों ऐसे दुरुपयोग हो रहा है शासकीय संपत्ति का? कोई जिम्मेदार अधिकारी झांकने तक तैयार नहीं है। आखिर ऐसी कार्यप्रणाली का कौन जिम्मेदार है, और कब सुधरेगी नीमच की यातायात व्यवस्था की ये बदहाल तस्वीर है? पुलिस पंचायत के लिए नीमच से संजय गौड़ की विशेष रिपोर्ट। कहीं से लग रहा है? बहुत पहना हुआ।